सो हाय गाइज बहुत ही बड़ा अपडेट है ये आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ तो इस बार एम्स और जिपमर भी इंक्लूडेड है तो उसकी काउंसलिंग भी ऐसे ही होने वाली है तो इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल के साथ साथ दो तीन पॉइंट्स और बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं और ये जो है कि मैंने एमसीसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सब लोगों को पता चल जाए सो so, देखो सबसे पहले यहां पे दिया है कि ट्वेंटी अक्टूबर से लेके सेकेंड नवम्बर तक पाँच बजे तक जो है आपकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की फैसिलिटी और चॉइस फिलिंग की फैसिलिटी ये खुल जाएगी सेकेंड नवंबर तक पांच बजे तक ठीक है अब पेमेंट फैसिलिटी जो है वो सेकेंड नवंबर की सात बजे तक अवेलेबल रहेगी लेकिन मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल रिस्क नहीं करना चाहिए उससे पहले ही आप अपना पे करके चॉइस फिल करके रख सकते हो अब देखो चॉइस फिलिंग तो आप कर दोगे लेकिन लॉक जो होती है ना चॉइसिस या फिलिंग भी कह लो इन्होंने यहाँ पे दो बार फिलिंग दे रखा है तो बेसिकली अट्ठाइस अक्टूबर से लेकर सेकेंड नवंबर तक ग्यारह इलेवन फिफ्टी नाइन पी एम तक आप लोगों को अपनी चॉइसेस भर लेनी है जो कॉलेज आप लेना चाहते हो जो चॉइसेस आप भरोगे और लॉक जो होगा ना लॉकिंग की फैसिलिटी देखो आप ध्यान से सेकेंड नवंबर को है चार बजे से शुरू होगी सेकेंड नवंबर को ही चार बजे से शुरू होगी और इलेवन फिफ्टी नाइन पे सेकंड नवंबर को ही बंद हो जाएगी अब अगर कोई बच्चा अपनी चॉइस फिल तो कर देता है लेकिन वो लॉक करना भूल गया तो जो चॉइसेस आपकी फिल्ड होंगी वही अपने आप लॉक हो जाएंगी तो बहुत ध्यान से सेकेंड नवंबर को सबके सब लोग अच्छे से अपनी चॉइसेस लॉक कर देना उससे पहले आपके पास टाइम है कि आप लोग अपनी चॉइसेस फिल करके रखो सोच समझ के समझ लो कि क्या क्या चॉइसेस आपको भरनी है पहले से ही सोच के रखना ताकि एक दिन आप उस दिन आराम से लॉक कर दो फटाफट अपनी चॉइसेस ठीक है पहले से ही देके रखना। फिर देखो प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट दिया है। थर्ड नवंबर और फोर्थ नवंबर को प्रोसेसिंग होगी रिजल्ट पांच नवंबर को आएगा और छह से लेकर बारह नवंबर तक आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो वहां जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ये आपकी बात आ गई फर्स्ट काउंसिलिंग की सेकेंड काउंसिलिंग में क्या होगा देखो ये सात दिन का है या छह दिन का दो दिन का एक दिन का सात दिन का ठीक है तो चॉइस फिलिंग बेसिकली यहाँ पे हो रही है यहाँ पे आपको रजिस्टर करना कर है और पेमेंट कर देनी है ठीक है कब से सत्ताइस से दो तक अब अगर पहला राउंड खत्म हो गया सेकेंड राउंड में अठारह नवंबर से बाईस नवंबर तक होगा तीन बजे तक होगा देखो यहाँ पे अब कुछ बच्चे हो सकता है गलती कर दे यहाँ पे तीन तीन ना आ, सोचे पांच बजे सोच लें और उनका रह जाए तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी जिस दिन खुलता है उसी दिन अपना रजिस्टर कर लेना ताकि भूलो ना और कोई ऐसी कंफ्यूजन ना हो पेमेंट फैसिलिटी जो है वो पाँच बजे तक खुली जाएगी खुली रहेगी बाईस तक अब ये जो पेमेंट फैसिलिटी है समझने वाली बात है अगर आपने फर्स्ट में आप भूल गए हो करना या आपने नहीं किया है रजिस्टर काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट आप नहीं कर रहे हो तो सेकंड में आप दोबारा से पैसे देके कर सकते हो लेकिन अगर आपने पहली में पैसे दे दिए हैं तो दोबारा आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बस आपको चॉइसिस जो है वो दोबारा भरनी पड़ती हैं सेकेंड राउंड में दोबारा से ठीक है अब देखो सेकेंड राउंड में उन्नीस से बाईस तक ग्यारह इलेवन तक वही आपको चॉइस लॉकिंग करनी है चॉइस फिलिंग करनी है पहले और चॉइस लॉकिंग आपकी 22 नवंबर को होगी तीन बजे से लेकर 11:59 तक यानी एक दिन सिर्फ खुला रहेगा जब आपको लॉक करनी है तो पहले से सोच समझ के भरना और लॉक जरूर कर देना नहीं तो जो भरा हुआ है वो अपने आप लॉक हो जाएगा ठीक है अब तेईस नवंबर से चौबीस नवंबर दो दिन प्रोसेस होगा एक दिन पच्चीस नवंबर को आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और छब्बीस नवंबर से दो दिसंबर तक आपको जाके रिपोर्ट करना है अपने कॉलेज पे ठीक अब एक बात समझने वाली बात यह है होता क्या है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल डीम्ड ई एम्स जिपमर ये जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए एक और राउंड भी होता है मॉपअप और बाकी जो जितने सारे कॉलेज हैं उनकी जो सीट्स बचेंगी वो सारी स्टेट कोटा को चली जाएंगी ठीक है तो अगर आप सेंट्रल के लिए डीम्ड के लिए ईएसआईसी एम्स या जिपमर के लिए अप्लाई करो तो मॉपअप राउंड भी एक होगा यहीं पे होगा ऐसे ही ऑनलाइन ही होगा तो अब यहां पे 10 से लेके 14 तक आपका 3 बजे तक क्या होगा वापस से आपको पेमेंट करना पड़ेगा पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होगी पांच बजे फोर्टीन दिसंबर तक अवेलेबल होगी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या पेमेंट जो भी होगी राउंड की वो करनी पड़ेगी ग्यारह से लेकर चौदह तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस लॉकिंग तीन बजे शुरू होगी आपकी से तीन बजे से लेकर इलेवन तक चौदह दिसंबर तक आपकी चलेगी चॉइस लॉकिंग ठीक है इस टाइम तक एक दिन में आपको चॉइस लॉक करनी पड़ेगी अपनी फिर पंद्रह से सोलह फिर से प्रोसेस होगा सत्रह को रिजल्ट आएगा और अठारह से चौबीस को लेकर मिलेंगे रिपोर्ट करने के लिए ठीक है अब इसके बाद भी अगर कोई सीट बच जाती है तो वापस से स्टे वैकेंसी में जाती है ठीक है तो ये पूरा काउंसिलिंग का अभी अभी शेड्यूल आया है तो आपको सबको समझना पड़ेगा और बिल्कुल केयरफुल होकर भरना अपनी चॉइसिस और कोई भी डेट मिस मत करना अगर आपको काउंसिलिंग के बारे में कोई भी और डिटेल्स जाननी है कि काउंसिलिंग कैसे होती है कैसे भरना है तो वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो बनाई थी उसका मैं लिंक दे दूंगी उसमें मैंने बताया है, पूरा काउंसिलिंग का प्रोसीजर ए टू जेड की फर्स्ट में कैसे करना है मॉपअप में, में कैसे करना है सब कुछ बताया गया है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो और ये जो है ये अभी अभी रिलीज हुआ है काउंसिलिंग का शेड्यूल तो ये आप बिल्कुल नोट कर लो और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना सो सी यू गाइज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर एनी अदर अपडेट सारे अपडेट्स यहीं पर आएंगे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डालती रहूंगी वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो सो सी यू गाइज बाय बाय